भाई देखो बहुत लोग मिलते हैं लाइफ में, लेकिन हर कोई मतलब के लिए मिलता है। लेकिन भाई दिल से अच्छा लग गया भाई से। सबसे पहले नमस्ते सबको जिनको। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल पुलकित मल्होत्रा व्लॉग्स। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक और नए व्लॉग के साथ। सो भाई मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग टाइटल देख चुके हो, थंबनेल देख चुके हो, सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं भाई, आज आप लोगों को मिलवाएंगे पारस भाई से। तो पारस भाई का है आज बर्थडे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू पारस भाई। ठीक है, भाई ने हमारे पास इन्वाइट कर रखा है भाई की पार्टी में, तो आज चलेंगे और आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे सबसे वहाँ पे। मैं कल मिल चुका हूँ ऑलरेडी, बट मैंने व्लॉग नहीं शूट करा था। आज चलेंगे, व्लॉग भी शूट करेंगे। और यार मतलब मेरे को खुद मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बाकी चलते हैं यार, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा अभी नहीं, वहीं चल के भाई से मिलवाएंगे। आप कुछ शॉर्ट्स एंजॉय करो भाई की पार्टी के। ठीक है, बाकी जो है यार मतलब सीरियसली 400 उन लोगों का थैंक यू जो मेरे को अभी कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। देखते रहो यार, आप लोगों के लिए कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आप लोगों के प्यार से एक किक तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। ठीक है, और आज यार सबसे पहले अभी चलेंगे क्या करने, अपने लिए भाई शर्ट लेने के लिए। पेट वगैरह आ गया था तो सारी शर्ट टाइट हो चुकी हैं। और उसके बाद जो है भाई वो भाई के लिए गिफ्ट लेने चलेंगे। खाली हाथ तो जाएंगे नहीं यार, दो मैं कल मिल चुका हूँ, बट कल ब्लॉग शूट नहीं करा था। आज भाई ब्लॉग भी शूट करेंगे तो भाई कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं। भाई का बर्थडे, वन सेकेंड हैप्पी बर्थडे पारस भाई। चलो यार जाते भाई, ये बैठे अपना मैडी ब्रो फ़ोन पे लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं। और आज है भाई पारस भाई का बर्थडे और कल है भाई हमारे मैडी भाई का बर्थडे, मैडी ब्रो का बर्थडे। आज मतलब 29th को है भाई पारस का एंड 30th को है माधव का। तो भाई माधव फिर क्या गिफ्ट बताओ, दे रहे हो आपको बताओ क्या दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ। और पता है एक मजाक, एक बढ़िया बात बता दो, इसको पिछले साल मतलब बर्थडे पे सरप्राइज दी थी साइकिल। ठीक है, वो अनबॉक्स हुई अभी 10 दिन पहले जब आपने ब्लॉग चेक करा, तो वो तो इस साल का बर्थडे गिफ्ट हो गया। इस साल का हो गया वो, ये मत कहना। अरे तो ये कुछ नहीं होता इस साल, वो तो पिछले साल दे दो। मेरा मन करे कि मैं अब चलानी सीखता हूँ जरा। चल तो एक काम करते हैं फिर, साइकिल का कवर ले देते हैं तेरे को। साइकिल का कवर यार, ये क्या हो तो गया? नहीं नहीं, कुछ और अच्छा सा, कुछ और अच्छा था। और पता है क्या, माधव को जैसे ही पता चल रहा ना कि मेरे पास इनवाइट है, माधव भाई रोने लग गया। सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले मम्मी को कह के गया कि भाई को बोल देना प्लीज़ मुझे ले जा। अब भाई मैं इसको कैसे ले जाऊँ, मैंने इसको बोला मैं पर्सनली मिलवा दूंगा। ठीक है, प्रॉपर और पक्का कन्फर्म मिलवा दूंगा। भाई बहुत बड़ा फ़ैन है भाई का, तो मैं पक्का मिलवा दूंगा, कोई वो नहीं है, मना ही नहीं है। बट आज पार्टी में इसका पॉसिबल ही नहीं हो सकता भाई, सारे हैं। और पता है क्या, एक और चीज़ यार, इतने बड़े बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर आ रहे हैं, अरमान मलिक, चाहत आनंद, ठीक है, और शायद प्रिंस नरूला भाई भी आ रहे हैं। ठीक है, और दो चार और है, तो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं यार। और मतलब पार्टी थोड़ी अपने उस वाली में, ये बच्चा है अरे क्या करेगा वहाँ जाके, है ना? तो मैं तेरे को ले चलूँगा पक्का। ठीक है, तेरा बर्थडे गिफ्ट ये दिलवा दो, पारस भाई से मिलवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, पारस भाई से भी मिलवा देता हूँ। 2 तारीख को इंदर भाई आ रहे, तेरे को 2 तारीख को इंदर से मिलवा दूँगा। ठीक है, इंदर भाई तो मना भी नहीं करेंगे, इंदर भाई को जहाँ बुला रहे हैं भाई तो आ जाओ। तेरे को उन्हीं के साथ ही मैं बोल दूंगा कि भैया इसका बर्थडे था, इसको एक वॉइस वो कर दो, मतलब एक वीडियो बना दो इसके साथ। ठीक है, चल ठीक है भाई। तो भाई बिना देरी के चलते हैं बाहर। सबसे पहले भाई अपने लिए टी शर्ट या शर्ट ही लेंगे, शर्ट देखते हैं कोई पार्टी वेयर, और फिर उसके बाद भाई गिफ्ट वगैरह देखते हैं पारस भाई के लिए क्या पसंद आता क्या नहीं। चलो, सो गाइज अपना आउटफिट भी भाई फाइनल हो चुका है, ले आए हैं, ऑल्टर वगैरह भी करा लिया जो फिटिंग वगैरह करानी थी। और भाई भाई के लिए भी मैं ले आया हूँ, ये वाली टी शर्ट है, आजकल ड्रॉप शोल्डर चल रहा है, मैंने देखा भाई पहनते हैं, तो ये अपनी साइड से हो गया। और एक आर चीज़ से कुछ, भाई जैसे नया घर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यार एक गणेश जी की वो है। ठीक है, मैं अभी पैक करा चुका हूँ उसको, तो इसलिए वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और आर चीज़ के अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो मैं इसलिए मैंने वहाँ पर शूट भी नहीं करा। मैं एक्चुअली लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। नहा धो के भाई ऑल सेट, रेडी टू गो, चलते हैं यार, सीधा निकलेंगे भाई, भाई से मिलेंगे यार। मैं सीरियसली बहुत एक्साइटेड हूँ इस पार्टी के लिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। और एक तो भाई नहा के आते ही इतनी गर्मी है ना दिल्ली में भाई, सीरियसली मतलब नहा के आते ही अभी बाल सेट कराना भी बड़ा दुश्वार है, क्योंकि फिर पसीना आ जाने, देखो 2 मिनट पंखा बंद करा है। ठीक है, और ऐसा पसीना आ गया, कोई लिमिट ही नहीं है। तो भाई अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और हाँ यार, सब कुछ पैक वगैरह मैं सब करा रहा है, जो भी गिफ्ट वगैरह थे, अभी चलते हैं बाहर दिखाता हूँ। चलो यार, वरना यही सारी शर्ट पे पसीना पसीना आ जाएगा। तेरा भाई का गिफ्ट रेडी, बाकी यार अपनी कैब कर दी थी, देखते हैं कैब भी आने वाली है बस। ठीक है, तो भाई चलते हैं बिना देर करे, निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधा लोकेशन पर। अब यार वहाँ के यार मतलब ऑब्वियसली गाने वगैरह चल रहे होंगे, तो मैं पूरे तो सीन्स रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, बाकी जितना मैक्सिमम हो सकता होगा मैं करवाऊंगा। ऑल सेट यार, निकल गए थे। एक तो यार भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा आकाश नाम।
आकाश भाई सच्ची में रफ्तार से आए, इतनी रफ्तार से कि मैंने कैब बुक का बटन दबाया और भाई हाजिर। मेरे को सीरियसली लगा, मैं कहा भाई पता नहीं कौन सा दिन के चिराग में से निकले, भाई को मांगा, मैं कहा कुछ और मांग लेता है, सरस्वती बैठनी थी तो भाई यहाँ बैठ गई। भाई कहते हैं जी भी आ जाओ, बाहर खड़ा हूँ आपके घर के। अरे वाह, तो ये इतनी फास्ट सर्विस के पीछे क्या वो जो आप बोलना चाहो भैया, चिरागे मान लो। अरे नहीं भाई यार, नेचर के बहुत बड़े यार अपने को, कह हम भी निकले। मैंने कहा चलो यार, एक तो इतनी लेट में ऑलरेडी हो रहा था और आप लोगों को पता है निकल कहाँ जा कर रहा हूँ, तो भाई टाइम पे ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ टाइम से ना, ठीक है। तो ये था कि यार कैब आएगी नहीं आएगी, और भाई भाई तो भगवान मैंने क्या है कि बिल्कुल फटाक डालते ही सीधा नीचे। चलो भाई, मैंने कहा चलो भाई के साथ एक और ब्लॉग शूट कर लें। चलो भाई, ऊपर है लिफ्ट आती है फिर ऊपर चलते हैं। तो भैया जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले नमस्ते सबको, जिनको मैं जानता हूँ जिनको नहीं जानता उनको भी नमस्ते। तो आज लोडा हो गया पूरे 27 साल का, हाँ 27 साल का, और अभी भी कवारा लग रहा है, पर नहीं एक बच्चे का बाप है। तो जनक दिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, और जितने भी यूट्यूबर भाई हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने चैनल में शेयर करे और बता दे कि इंडिया में पारस ठकराल है और वो फांसी से है। मैं चाहता हूँ पारस ठकराल अपनी बीवी को प्रपोज करते हुए कुछ भाई की वजह से पार्टी हुई है, सच बताऊं पूरी पार्टी भाई ने ऑर्गेनाइज कराई, और लिटरली इतना अच्छा लगा ना भाई से मिलके। भाई देखो बहुत लोग मिलते हैं लाइफ में, लेकिन हर कोई मतलब के लिए मिलता है, लेकिन भाई दिल से अच्छा लग गया भाई से मिलके। साथ में मिलके बहुत सारा काम भी करेंगे, और बहुत सारी वीडियोस में भी मेरी वीडियो में भाई देखेंगे। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे 2 मिलियन है, भाई के भी 2 तो कर आई दो। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी व्लॉग बनाता हूं, कुछ होएगा। फारस भाई, भाई अलग नेक्स्ट लेवल, मतलब इंडियाज फाइनेस्ट व्लॉगर सीरियसली। मतलब भाई को भाई 2016 या 17 से फॉलो कर रहा हूं, सीरियसली भाई मैंने ग्रोथ देखी है। ऑनेस्टली मैं प्रैंक की वीडियोस देखता था, बट कभी सोचा नहीं था यार यहां तक खड़ा होऊंगा। ऑनेस्टली मतलब बहुत आर्टिस्ट का काम करा, बट यूट्यूब इंडस्ट्री में फर्स्ट भाई मिले, और भाई आज बहुत सारे लोग भी मिले। हाँ, बहुत सारे लोग मिलेंगे भी क्या। हाँ, और भाई ने सीधा बोला था यार मैं बहुत सारे बंदों से मिलवाऊंगा अभी तेरे को, मतलब एक सीधा वो भाई वाला यार, कोई बिजनेस वाली कोई डील नहीं कि ऐसे है वैसे है, तू ये कर मैं ये करूँ, कोई वो नहीं यार। जो है भाई मैंने भी दिल से करा, और भाई का तो दिल मेरे को पता चल गया, सच में दिल से करा भाई। चलो भाई, वंस अगेन भाई हैप्पी बर्थडे, भाई विश कर देना यार कमेंट में भाई को, यार विश कर देना। सो फाइनली पहुंच गए यार घर, और टाइम चेक कर लो क्या हो रहा है, सुबह के 4 बजने वाले हैं। तो भाई बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है यार, बाकी पारस भाई साहब सबको मिलवा दिया यार, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं साथ। तो थैंक यू सो मच यार, उन 400 लोगों के प्यार ने यहाँ तक पहुँचाया, तो भाई डेफिनेटली यार अगर ये फैमिली बड़ी होगी तो फिर तहलका तो मचेगा यार,
ठीक है। बाकी आज के ब्लॉग को यार यही एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। बाकी मिलते ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, क्योंकि भाई अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, मतलब इतना नाचे हैं इतना बेस्ट बेस्ट यार बेस्ट। ठीक है, बाकी मिलते ऐसी किसी बड़ी ऐसे ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग फुल कितने ब्लॉग्स। बाय बाय।